तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाते समय ऑल सेलेक्ट जरूर कर लें। दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद। एक शहर में एक अजीत नाम का व्यक्ति रहता था। ऐसे तो अजीत बहुत ज्यादा समझदार था। उसकी बीवी का नाम खुशबू था, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन अजीत खुशबू से बोलता है, ओ मेरी राम प्यारी, मैं ऑफिस के काम से कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ये कौन सी बात हुई? पिछले हफ्ते ही तो आप कंपनी के काम से बाहर गए हुए थे। आपको पता है मुझे अकेले कितना डर लगता है और आप मुझे बार बार अकेले छोड़ के चले जाते हैं। अरे मेरी राम प्यारी, प्लीज नाराज मत होको। अरे कंपनी का काम है, वहीं से मुझे पैसे मिलते हैं, तभी मेरा घर चलता है, समझा करो यार। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आपको नहीं जाना है। अरे पागल, समझने की कोशिश करो, नहीं जाऊँगा तो मुझे कंपनी से निकाल दिया जाएगा, मुझे प्लीज जाने दो। ठीक है जाइए, लेकिन जल्दी आइएगा वरना मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। अरे नहीं ऐसा मत करना यार, मैं जल्दी ही चला आऊंगा। और ये कहकर अजीत कंपनी के काम से बाहर चला जाता है। अब घर में खुशबू अकेली रहती है। तभी दरवाजे पे अचानक से घंटी बजती है। कौन है? अरे मैडम जी, मैं हूँ दूध वाला। अच्छा आई अभी। और खुशबू जाकर दरवाजा खोलती है, तभी देखती है कि दूध वाला रहता है। अरे भैया, आज दूध लाने में बहुत देर कर दी आप। हाँ मैडम जी, क्या करूँ, मेरी भैंसिया दूध ही नहीं दे रही थी। बोल रही थी कि मेरा दूध बार बार निकाल कर आप ले जाकर बेच देते हैं, उसके बदले आपको क्या मिलता है, ऐसे ऐसे सवाल कर रही थी मेरी भैंसिया। क्या मजाक कर रहे हैं भैया, कहीं भैंस भी बोलती है? हाँ मैडम जी, मेरी भैंसिया बोलती है मुझसे बात करती है, और ये भी कह रही थी कि आज दूध सबको फ्री में दीजिएगा। क्या सच में भैया सबको दूध फ्री में देंगे? हाँ हाँ, लेकिन केवल लेडीज को फ्री में दूंगा दूध, और वो भी उस लेडीज को जो मुझे चुम्मा देगी, और जो चुम्मा नहीं देगी उसको मैं दूध फ्री में नहीं दूंगा। भैया ये कैसी बात कर रहे हैं, आपका दिमाग सही है? अरे मैडम जी जरा सोचिए, आपके पति कितना मेहनत करके पैसे कमाते हैं, और वो पैसे में थोड़े बहुत पैसे आप दूध के लिए दे देती हैं, तो समझिए रोजाना अगर जो मुझे चुम्मा देंगी तो रोजाना मैं आपको फ्री में दूध दूंगा, और उससे आपके पति का भी पैसा बच जाएगा, तो कैसा रहेगा मेरा आइडिया, जरा सोचिए आप भी। इस बात को जब खुशबू सुनती है तो वो लालच में आ जाती है और बोलती है, ठीक है तो फिर अंदर आ जाइए। और ये कहकर खुशबू दूध वाले को अंदर बुलाती है। वाह आज तो मजा ही आ गया, चलो कम से कम एक जगह तो चुम्मा मिला, धीरे धीरे मैं इसको पटा भी लूंगा और मेरा भी काम बन जाएगा। और ये सोचकर दूध वाला वहाँ खड़ा रहता है। तभी अचानक खुशबू अंदर से डंडा लेकर आती है और उसकी पिटाई करने लगती है। अरे मैडम जी ये क्या कर रहे हैं, अरे प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, अरे चुम्मे की बात हुई थी, डंडे की थोड़ी बात हुई थी, अरे प्लीज छोड़ दीजिए, अरे ये औरत पागल हो गई, अरे ये तो मुझे जान से मार देगी, ओ प्रभु बचाओ हो बचाओ। और ये कहकर दूध वाला वहाँ से भाग जाता है। खुशबू अपने सूझबूझ से उस व्यक्ति को भगा देती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें।